हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक खजूरिया है और आज के इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 की। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारा और इंपॉर्टेंट कहने का रीजन ये है क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो क्या तैयार है ये सीखने के लिए? अगर हाँ तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो बड़े क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हम लोगों को 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें क्या करना है, हम लोगों को इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, वो भी बेटा फैक्टराइज करके। और साथ में फैक्टराइजेशन में भी कौन सा मेथड सीखने जा रहे हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। करेक्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 के साथ में। तो भैया फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और हम लोगों को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों को बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी जो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एग्जैक्टली किस फॉर्म की है, वो एग्जैक्टली फॉर्म की है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की। और जब भी बड़े ये तीन टर्म्स आपको देखे जाए तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे किया जाता है, बड़ा प्यारा सा मेथड हम लोग इसके थ्रू सीखने जा रहे हैं। देखो, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक टर्म है उसमें वेरिएबल है और जिस वेरिएबल का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट देखो। चलो हम लोग इसको x कह देते हैं आसान सी लैंग्वेज में। तो x का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग चेक करेंगे कि भैया x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, और अगर कुछ ना देखा तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे फिर चेक करेंगे बेटा कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म बेटा इंक्लूडिंग साइन। करेक्ट है, यहाँ भी अगर माइनस में होता तो कोफिशिएंट क्या होता, माइनस 1 होता। लेकिन एक्स स्क्वायर से पहले माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 10। हम लोग इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो भाई 1 और माइनस 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आएगा माइनस का 10। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रोडक्ट क्या है, माइनस का 10 है। अब जरा बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये बात बड़ा माइंड में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो भाई प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट है नेगेटिव। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट निकल कर आया इसको बड़ा करेंगे फैक्टराइज। तो भाई 10 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टराइजेशन में क्या मिलेगा, 2 × 5। राइट, यही दो फैक्टर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करें बेटा, इन दो फैक्टर्स के दो पार्ट्स करें सच दैट कि एक पार्ट में से देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा था, नेगेटिव है ना। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक पार्ट में से बेटा दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या लेके आना है, यहाँ x के साथ लिखा गया नंबर। इस साइन से भी हमें कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, x का कोफिशिएंट विदाउट साइन। तो आपने क्या देखा, x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या, एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके 3 लाया जा सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल है भाई, अगर हम लोग 5 में से 2 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 3। और अगर x से सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x। मतलब चाहे तो 3x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 5x माइनस 2x रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, 3x। तो बेटा 3x की जगह पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, 5x माइनस 2x। करेक्ट है, चलिए रखते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, माइनस का साइन है तो बेटा ब्रैकेट मस्ट है, अगर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन अगर माइनस का साइन है मिडिल टर्म में तो आपको ब्रैकेट में रखनी रखनी है चीज है। तो बेटा 3x की जगह पे क्या रखने जा रहे हो, आप रखने जा रहे हो 5x माइनस 2x। फिर अगला टर्म क्या है, माइनस का 10 एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्या करो, अगले स्टेप में ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा, माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये वाला टर्म हो गया बेटा नेगेटिव और ये वाला टर्म हो गया पॉजिटिव, माइनस का 10 है ऐसे ही रखा है, दिस इक्वल टू 0। अब देखो क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो हम लोगों ने बेटा x कॉमन लिया। जब इस टर्म में से x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहेगा, x, माइनस का साइन रखा, 5x में से x तो बाहर गया तो कौन रह गया, 5 रह जाता है। ठीक है, अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो बेटा 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोगों ने 2 कॉमन लिया।
बेटा 2x में से 2 बाहर तो बचा क्या x माइनस का सा एनर्जी रखो। अब 10 में से बेटा 2 तो बाहर चला गया, तो 10 में से 2 बाहर चला गया एक फैक्टर, तो इसका मतलब क्या फैक्टर बचा 5 बचा, करेक्ट है। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो क्या किया करो, 10 में से 2 बाहर लिया मतलब कॉमन लिया, तो बेटा इस 2 से इस 10 को डिवाइड करके यहाँ लिख दो, तो 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, बात समझ आती है, दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने टर्म्स है, साइड में 2 टर्म्स है, और दोनों ही टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, x माइनस 5 यहाँ भी है और x माइनस 5 यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करें x माइनस 5 को कॉमन ले रहे हैं। तो जब हम लोग बेटा x माइनस 5 को कॉमन लेंगे, तो इस टर्म में से x माइनस 5 तो बाहर चला गया, इस टर्म में बचा क्या, यहाँ पर बचा x, ठीक है, इस टर्म में से x माइनस 5 तो बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को प्लस में 2, एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है और 2 एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, जो कि तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम कोई भी एक 0 हो, तो फिर बोला जा सकता है या तो x माइनस 5 बेटा 0 के इक्वल होगा या फिर x प्लस 2 0 के इक्वल होगा। अब अगर x माइनस 5 0 के इक्वल है तो x कितना होगा के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज, बेटा माइनस 5 था ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 5, तो बेटा एक रूट तो हम लोगों का ही आ गया x इक्वल टू 5। इधर चले आइए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या होगी, इसको ट्रांसपोज कर दें तो माइनस का 2 हो गया, तो इसका मतलब दूसरा रूट हुआ ये, देयरफॉर x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि यही दो नंबर्स क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। आई थिंक पहला पार्ट समझ आ गया होगा, अब पहला पार्ट समझ आ गया तो बेटा अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखी है हम लोगों को इक्वेशन, बेटा नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx + c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है, तो क्या करना होगा मिडिल टर्म को स्प्लिट, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहां पे क्या दिख रहा है 2, और कांस्टेंट टर्म जो कि यहां पे क्या दिख रहा है माइनस 6, तो इन दोनों का क्या किया जाता है मल्टीप्लाई करो भाई, तो 2 और माइनस 6 का बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आया माइनस का 12, जरा बताओ प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्रोडक्ट आप लोग देख पा रहे हैं कैसा है नेगेटिव है। अब हमें क्या करना है, जो प्रोडक्ट निकल कर आया बेटा इसको करना है फैक्टराइज, और जब हम लोग 12 को फैक्टराइज करें तो बेटा इसके फैक्टर्स क्या मिलते हैं 2 × 2 × 3, तीन फैक्टर्स हम लोगों को यहाँ देखने को मिले, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे फैक्टर्स के बेटा दो पार्ट करेंगे सच दैट, लेकिन एक कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन क्या है देखो प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है ना, तो कंडीशन है कि एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या चाहिए x के साथ लिखा गया नंबर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, इस साइन से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, तो x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और हमें बेटा इन फैक्टर्स के दो हिस्से करने हैं, दो पार्ट करने हैं, जिससे कि एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करके क्या मिल जाए 1 मिल जाए, तो क्या किया जा सकता है ऐसा, बिल्कुल, अगर हम लोग एक फैक्टर बेटा ये कंसीडर करना है 2 × 2 का मतलब 4, और दूसरा फैक्टर बेटा ये ले लें 3, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और अगर x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा 1x, इसका मतलब 1x की जगह पे चाहे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, ठीक है, तो चलिए रख देते हैं, और इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने ऐसे ही लिखा, प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही साइन अगर यहाँ पर माइनस का होता तो ब्रैकेट मस्ट होता, ठीक है, तो हम लोग 1x की जगह पे क्या रखने जा रहे हैं 4x माइनस 3x, भाई रखो यहाँ पे आपने रखा 4x माइनस 3x, फिर लास्ट टर्म माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे इन दो टर्म्स में से देखेंगे क्या कोई चीज कॉमन है, तो भाई हम लोग देख रहे हैं 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, मतलब क्या कॉमन है 2x कॉमन है, ठीक है, और जब 2x² में से 2x कॉमन ले लिया तो बेटा यहाँ पे क्या बचा x, प्लस का साइन है रखो, 4x में से 2x बाहर चला गया तो बेटा क्या बताया था अभी, ना समझ आया तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, x से x डिवाइड होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा 2, ठीक है, माइनस का साइन है रखिए। अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, देखो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी डिवाइड, तो आपने 3 बेटा कॉमन लिया तो बचा क्या x, और क्योंकि हम लोगों ने माइनस साइन बाहर लिया तो बेटा अंदर के साइन चेंज, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 2 एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं कि दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, और इन दोनों टर्म्स में ब्रैकेट कॉमन दिख रहा है हम लोगों को x प्लस 2, तो हम लोगों ने x प्लस 2 ले लिया कॉमन, जब इस टर्म में से x प्लस 2 बाहर रहा तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2x,
माइनस इस टर्म में से बेटा ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या रहा 3 एंड दिस इक्वल टू 0. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो. तब हम लोग कह सकते हैं भाई या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा. ठीक है, अगर x प्लस 2 0 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी हुई के लिए क्या करें इसको ट्रांसपोज, तो बेटा माइनस में हो गया. ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 2 पहला रूट निकल कर आता है. दूसरा निकालना है तो 2x इक्वल टू कितना होगा, देखो इसको कर दो ट्रांसपोज तो एक प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू इसके लिए बेटा 2 को भी हटाना पड़ेगा जो कि मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा. इसका मतलब बेटा x के लिए दो वैल्यूज मिल जाती है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स मिल गए. पहला क्या है x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 3 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, अब आते हैं बेटा हम लोग थर्ड पार्ट पर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 एंड दिस इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं, और अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहले फॉर्म देखें तो कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है. और अगर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है तो सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है या फिर नहीं. ठीक है, और जब मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जा सकता है या फिर नहीं ये चीज चेक करनी है, तो हम लोग क्या देखें कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि यहां पे कितना है रूट 2, और साथ में कांस्टेंट टर्म जो कि क्या देखा 5 रूट 2, और इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई. तो भाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है रूट 2, कांस्टेंट टर्म कितना है 5 रूट 2, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा. तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई करें जो कि क्या होगा 2. ठीक है, और साथ में क्या इनटू में 5, तो 5 इनटू 2 का मतलब हुआ 10. जरा बताओ प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा है वो कैसा है पॉजिटिव है. अब हम लोग क्या करेंगे इस प्रोडक्ट के बेटा फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद में दो पार्ट्स करेंगे सच दैट कि दोनों पार्ट्स को प्लस करने पर क्या आ जाए एक्स के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 7. इस साइन से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, बार बार रिपीट में कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब इसको फैक्टराइज करें तो बेटा 10 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या फैक्टर्स मिले 2 और 5, और हमें क्या करना है इनके दो हिस्से करने हैं कि दोनों हिस्सों को प्लस करने पे बेटा क्या मिल जाए 7, x के साथ लिखा गया नंबर. तो बेटा 7 कैसे मिल सकता है, देखो अगर 2 में आप 5 को प्लस कर दें तो क्या मिल जाएगा एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, दोनों को आपने प्लस किया तो क्या मिल रहा है 7. और अब अगर हम लोग बेटा सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2x plus 5x equal to होता है 7x, मतलब 7x को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके लिखा जा सकता है 2x plus 5x. चलिए कर देते हैं 7x की जगह पे, सबसे पहले ये वाला टर्म एज इट इज लिखो रूट 2x स्क्वायर, और प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. 7x की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, इसकी जगह पे लिख सकते हो 2x plus 5x plus में क्या है लास्ट में 5 root 2 and this equal to 0. अब हम लोग देखेंगे कि बेटा इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, देख पा रहे हैं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो बेटा इसको साइड में करके देख लो. पहला टर्म क्या दिया है रूट टू एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करो तो इसको क्या लिखोगे रूट टू इंटू एक्स इंटू एक्स. दूसरा टर्म जो है वो है 2x, तो इसको क्या लिख सकते हो देखो इसको फैक्टराइज करके लिख सकते हो 2 इंटू एक्स. बात यहाँ तक क्लियर है, अगेन बेटा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रूट 2 है, और हम लोग जानते हैं इस 2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको भी फैक्टराइज करके लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 2. तो बजाय इसको 2 लिखने के हम लोग क्या लिख रहे हैं इसको अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2. अब जरा देखो क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है, तो आप कहेंगे यस कॉमन दिख रहा है, क्या रूट 2 हमें कॉमन दिखा और साथ में हम लोगों को एक्स कॉमन दिखाई दिया, तो इसका मतलब इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आता है रूट 2 एक्स कॉमन आता है. लीजिए भाई आपने कॉमन लिया रूट 2 एक्स को, जब बेटे इस टर्म में से रूट टू एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया रूट टू एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, इस टर्म में बचेगा तब एक्स. ठीक है, प्लस का साइन रखिए, इस टर्म में से रूट टू एक्स हम लोगों ने कॉमन लिया है बाहर लिया है, तो इसका मतलब रूट टू एक्स अगर हम लोगों ने इस टर्म में से ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा बेटा रूट टू, प्लस का साइन रखिए. अब इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दो टर्म्स में आप इजीली देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब क्या कॉमन है 5 कॉमन है, और 5 आपने कॉमन लिया तो इस टर्म में क्या रहा x, इस टर्म में से 5 बाहर चला गया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से मिलता है रूट टू एंड दिस इक्वल टू 0.
अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स में क्या चीज कॉमन दिख रही है, x प्लस रूट टू, ले लीजिए कॉमन इसको। तो आपने कॉमन लिया किसको, x प्लस रूट टू को, इस टर्म में से बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है बेटा रूट टू एक्स प्लस का साइन है, रखो इस टर्म में से ये चीज बाहर है, अब क्या बचा यहाँ पे फाइव एंड दिस इक्वल टू जीरो। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस इज जीरो, जो कि तभी पॉसिबल है जब कम से कम दोनों में से एक जीरो हो। सो दिस इंप्लाइज कि भैया x प्लस रूट टू किसके बराबर होगा, जीरो के, या फिर रूट टू एक्स, रूट टू एक्स प्लस फाइव किसके बराबर होगा, जीरो के। अब अगर x प्लस रूट टू की बेटा वैल्यू जीरो के बराबर है तो x उस केस में कितना होगा के लिए क्या करें, इसको करते हैं ट्रांसपोज, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब x की क्या वैल्यू निकली, माइनस का रूट टू। बिल्कुल ऐसे यहां भी आए, यहां हम लोग कह सकते हैं कि रूट टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी माइनस फाइव के। और अब अगर x चाहिए तो इस रूट टू को भी करते हैं ट्रांसपोज, तो x इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू। अब क्योंकि रैशनल नंबर बेटा नीचे है तो क्या करें, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस फाइव अपॉन रूट टू तो है ही बेटा, रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड, तो क्या लिखा जा सकता है फर्दर, फाइव रूट टू माइनस का अपॉन रूट टू, और रूट टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू आ गया। ठीक है, तो क्या आंसर हुआ, x इक्वल टू माइनस का रूट टू एंड x इक्वल टू माइनस रूट टू अपॉन टू आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, चलिए लास्ट पार्ट पर आते हैं अब हम लोग। अब बड़ा फोर्थ पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, तो वो इक्वेशन है 2x square minus x plus 1 upon 8 equal to 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हम लोग बड़े इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो एक टर्म है वो फ्रैक्शनल फॉर्म है, और कभी भी जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी एक टर्म फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो उसको आसानी से करने के लिए क्या करें, हम लोग जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में उस डिनोमिनेटर का उस इक्वेशन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये तो हुआ एक फ्रैक्शन के केस में, अगर एक से ज्यादा टर्म के अंदर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म देखने को मिले तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका एलसीएम लें और उस एलसीएम से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइड्स में कर दो मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या, इससे बड़ी सिंपलीफाइड फॉर्म निकल कर आ जाएगी और फर्दर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़ा एक ही फ्रैक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक टर्म में, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, एट है, तो हम लोग क्या करें, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को एट से करते हैं मल्टीप्लाई। तो बेटा जब हम लोग इस टर्म को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यही टर्म लिखा जा सकता है 16x स्क्वायर, इस टर्म को एट से मल्टीप्लाई करें तो इसको लिखेंगे 8x, और इसको एट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 अपॉन 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो देखिए आगे ना बड़ी सिंपलीफाइड फॉर्म। अब जब हम लोगों के सामने सिंपलीफाइड फॉर्म है तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसी फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसके लिए क्या देखना होगा, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर जो कि यहां पर कितना है 16, और कांस्टेंट टर्म जो कि यहां पर कितना है प्लस का 1, दोनों का करना है बेटा मल्टीप्लाई। तो 16 और 1 का मल्टीप्लाई करें, 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 16, जरा बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, और अब हम लोग इसको क्या करेंगे फैक्टराइज, तो 16 को अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हमें क्या करना है इन फैक्टर्स के बेटा दो पार्ट्स करने हैं सच दैट कि दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, एक्स के साथ लिखा गया नंबर यानी कि 8, इस साइन से कोई भी लेना देना अभी हम लोगों को नहीं रखना है। तो भाई हम लोग इन फैक्टर्स के दो पार्ट्स करके क्या 8 लेके आ सकते हैं प्लस करके, तो बिल्कुल लेके आ सकते हैं। देखो पहला पार्ट क्या हुआ 2 इंटू 2 का मतलब 4, दूसरा पार्ट भी क्या हुआ 2 इंटू 2 का मतलब 4, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब अगर हम लोग दोनों साइड्स को बेटा x से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग चाहें तो 8x की जगह पे क्या रख सकते हैं, उसकी जगह पे रख सकते हैं 4x प्लस 4x, और इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं 8x की जगह पर। सबसे पहला टर्म 16x स्क्वायर एज इट इज रखिए, माइनस का साइन है तो क्या समझाया था, ब्रैकेट मस्ट है, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ही लगाना है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा 8x की जगह पे क्या रख रहे हो, आप रख रहे हो 4x प्लस 4x, लास्ट टर्म क्या है प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब क्या करो अगले स्टेप में, ब्रैकेट ओपन करो, 16x स्क्वायर माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज यानी कि माइनस का 4x, माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। Now what is common?
इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, देखो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी 4 है, x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी x है, तो इसका मतलब क्या कॉमन है, 4x। और जब इस टर्म में से 4x बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या मिला, 4x, माइनस का साइन रखिए, 4x था, 4x ही बाहर चला गया, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचा। कैसे, इसको डिवाइड करके देख लो, इससे जब एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाइए। अब बेटा इन दोनों टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 कॉमन होता है, ठीक है। तो यहाँ इन दो टर्म्स में क्या कॉमन हुआ, 1, और माइनस का साइन बाहर होने की वजह से बेटा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला टर्म कैसा हो गया पॉजिटिव, और ये टर्म कैसा हो जाएगा नेगेटिव, एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखें तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इन दो टर्म्स में क्या कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 4x-1 यहाँ भी और 4x-1 यहाँ भी है, तो क्या कॉमन ले लिया जाए, 4x-1 कॉमन ले लिया जाए, और जब इस टर्म में से 4x-1 बाहर रखा तो बेटा अंदर कौन रहा, 4x, माइनस का साइन रखो, ये तो चला गया बाहर, तो यहाँ से क्या मिला, माइनस का 1, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन इज 0, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम कोई भी एक 0 हो, सो दिस इंप्लाइज कि या तो 4x-1 की वैल्यू 0 के इक्वल है, या फिर बेटा 4x-1 ये वाला 0 के इक्वल है, करेक्ट है। अब अगर 4x-1 0 के बराबर है तो 4x किसके बराबर हुआ, +1 के, तो x किसके बराबर हुआ, 1/4, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा 4x इक्वल हुआ 1 के, तो x किसके इक्वल हो गया, 1/4 के। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, 1/4 एंड 1/4, दोनों रूट्स आपस में इक्वल है, ठीक है। सो x इक्वल टू 1/4 एंड x इक्वल टू 1/4 आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।